यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा वीरांगना फूलन देवी द्वार। गरीबी रेखा से नीचे जो भी हैं 250 रुपये है, गरीबी रेखा से ऊपर 500 रुपये है। दोस्तों वीरांगना फूलन देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसा कि अभी हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर की धरती में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, और मिर्ज़ापुर में आपको मैं दिखाने वाला हूं जहां पे फूलन देवी का दाह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार जहां पे फूलन देवी का जिस घाट पे हुआ था उस घाट का नाम है चौबे घाट। और यहां पे आपको दिखा दें कि देखिए काफ़ी भीड़ भी लगता है, बहुत मान्यता है इस घाट का, बहुत पुराना घाट है। और यहाँ पे फूलन देवी का दाह संस्कार होने की वजह से इस घाट का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि वीरांगना फूलन देवी जैसे झांसी की रानी वैसे फूलन देवी का भी नाम है। झांसी की रानी जैसे कि उन्होंने पहले अंग्रेज़ों से लड़ा हुआ था, इस टाइम क्या हुआ था कि फूलन देवी ने जो कि एक गरीब महिला थी, एक पीड़ित महिला थी, जो कि अपने आप को मजबूती बनाते हुए और अपने दुश्मनों का सामना की और राजनीति में भी आई और अपना नाम, अपने लोगों का नाम किया, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया। उस फूलन देवी, उस वीरांगना फूलन देवी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर से कचहरी वाला रोड पकड़कर जब आप आएंगे, इधर से देखिए कचहरी से रोड आता है और इधर चला जाता है आपका विंध्याचल के लिए। यहाँ पे आएंगे कचहरी से लगभग 2-3 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा वीरांगना फूलन देवी द्वार, मुक्ति पथ, मुक्ति पथ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मुक्ति पथ, ठीक है। अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरा घाट का नज़ारा कैसा है, यहाँ पे कितने 100 जलाए जाते हैं पर डे, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और कहाँ पे फूलन देवी का जो है कि दाह संस्कार किया गया था। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। ये रोड देखिए चला जाता है और घाट पे, और इधर देख सकते हैं कि यह है भगवान वीर बाबा का मंदिर, बगल में गेट के जस्ट बगल में है। और यहाँ पर आप आएँगे तो आपको लकड़ी वगैरह का भी व्यवस्था मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे तराजू राजू रखा है, लकड़ी बहुत सारी लकड़ियाँ गजी हुई हैं, ये देखिए ये सब लकड़ी है। और यही सीधा रास्ता आपको लेकर जाएगा घाट पे, और घाट का नाम है चौबे घाट। देख रहे हैं ये घाट पे हम आए हुए हैं, ये गाड़ी उड़ी जो खड़ी है, तो जो लोग मृतक शव को लेकर आए हैं उनके परिजन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सब गाड़ी उसी लिए खड़ी हुई है। आगे देखिए बाइक की खड़ी हुई, काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ है, और घाट पे भी बहुत भीड़ है। नीचे सौ जलाया जा रहा है, अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जा रहा है नीचे। और देखा जाए तो ये एरिया देख सकते हैं, इधर मशीन वशीन भी रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए बनाया गया है ये कर्मकाटा जो कि गाड़ी लोडिंग गाड़ी को वजन किया जाता है, और इधर पत्थर भी रखे हुए हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं काफ़ी गाड़ी, देख सकते हैं 4-व्हीलर गाड़ी, उधर 2-व्हीलर गाड़ी जो भी खड़ी हैं। यहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग आए हैं, जो भी मृतक शरीर है उसको यहाँ पे जलाया जाता है, और इस घाट का बहुत ही मान्यता है। तो देख सकते हैं काफ़ी बाइक खड़ी है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, और आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर इस नीचे जो है कि अभी कुछ 100 को जलाया जा रहा है, इतने लोग खड़े हुए हैं, इनके लोगों के, इनके लोग आए हुए हैं, जो भी इनके परिजन हैं, जो भी इनके घर के लोग, जो भी मृतक शरीर लेकर आए हैं वो अपना नीचे दाह संस्कार का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं दाह संस्कार रेट सूची, गरीबी रेखा से नीचे जो भी हैं 250 रुपये है, गरीबी रेखा से ऊपर 500 रुपये है, लवारिस 100 हेतु निःशुल्क है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उपरोक्त आगे आग देने वाले वह निर्धारित शुल्क से अधिक न दें, कृपया अगर आपसे ज़्यादा अगर मांगते हैं तो आप इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं। अध्यक्ष के रूप में देख सकते हैं मनोज जायसवाल, और प्रशासकीय अधिकारी जो है नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे बनाया गया है ये देख सकते हैं बैठने के लिए, ताकि बारिश वरिश में धूप न लगे किसी को, इसके लिए घाट पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है।
पापा जब गुजर रहा बहुत ही नीचे काफ़ी ऊंचाई पे घाट है, देख सकते हैं काफ़ी नीचे। पानी का भी व्यवस्था किया गया है यहाँ पे, देखिए नल भी लगा दिया गया है साफ सफाई के लिए, पानी पीने उने के लिए सारे व्यवस्था यहाँ पे। और आगे जो है कि भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, आपको वो भी दिखा देते हैं हम। ये सामने बाबा भैरवनाथ जी का देखिए मंदिर भी है, यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं आप सभी लोग। देख सकते हैं काफ़ी नीचे घाट है, काफ़ी सीढ़ी से जाना पड़ता है, सीढ़ी से उतर करके, और बहुत ही नीचे बनाया गया है, काफ़ी ऊंचाई पे ये घाट है, और थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है यहाँ पे, इतना ऊंचाई पे बनाया गया है ये। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे रेट वगैरह सब कुछ फिक्स है, 500-250 रुपये जो गरीबी रेखा के नीचे, 250 रुपये बाकी जो गरीबी रेखा के ऊपर है वो 500 रुपये रेट फिक्स है। अगर कोई ज़्यादा रेट मांगता है, कोई ज़्यादा परेशान करता है, तो आपको वहाँ पे नंबर भी दिया गया है और उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रशासन का नंबर है, नगर पालिका का नंबर है, ठीक है। और सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।